अस्सलामुअलैकुम क्लास फोर। आज हमारा 23rd लेक्चर है साइंस का। आज 23rd लेक्चर है। आज हम पेज 51 यूनिट 5 के पेज 51 से स्टार्ट करेंगे। फूड चेन से हमने स्टार्ट आज करना है। आज हमारा टॉपिक है फूड चेन के बारे में। व्हाट इज़ द फूड चेन? फूड चेन क्या होती है? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। एनर्जी गोज फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू अनदर। फूड गिव्स यानी जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं या जानदार खाते हैं वो उन्हें तवानाई फ्राहम करती है। अब ये तवानाई जो है वो एक पौधे से या दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है या उससे फिर दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। अब ईच टाइम एन एनिमल इज़ ईटन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू द एनिमल दैट ईट्स इट। अब हर बार जो जानवर खाता है वो एनर्जी जो है वो दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है जो उसको खा जाता है। द वे इन विच लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर। और इसी तरह तमाम जानदार चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बाय देयर फूड इज़ कॉल्ड अ फूड चेन। अपने ग़िज़ा की वजह से और इसी को हम ग़िज़ाई चक्कर कहते हैं या फूड चेन या ग़िज़ाई सीरीज़ कहते हैं। A food chain shows how all living things depend upon each other. If one part of the food chain is destroyed, it will affect the other plants and animals. A food chain क्या show करती है कि कैसे जो जानदार चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। अगर एक हिस्सा जो है food chain का वो तबाह कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो दूसरे जो पौधे हैं वो पौधे और जानवर इससे मुतासिर हो सकते हैं। अब पेज 52 पे आ जाएं। द फोर मेन पार्ट्स ऑफ द फूड चेन। अब हमारे इस ग़िज़ाई चक्कर के जो चार अहम हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है सन। द सन इज़ नेसेसरी टू ऑल फूड चेन्स बिकॉज इट गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। पहला जो हमारा पार्ट है फूड चेन का वो सूरज है। सूरज क्यों है? कि सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है फूड चेन के लिए, क्योंकि ये पौधों को अपनी तवानाई अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए एनर्जी फ्राहम करता है। सूरज की रोशनी में पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। द हीट एंड लाइट ऑफ द सन हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। और सूरज की रोशनी और हरारत जो है वो इस कुरे अर्ज पर ज़िंदगी को मेंटेन रखने में मदद करती है। दूसरा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? यानी जो पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उससे हुए प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एज दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, यानी पैदा करने वाले। एज दे मेक, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। इस तमाम प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी पौधों की ग़िज़ा बनाने का अमल सूरज की रोशनी में क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इफ़ एन एनिमल ईट्स अ प्रोड्यूसर इट विल गेट एनर्जी फ्रॉम द प्लांट। अगर कोई जानवर इन प्रोड्यूसर्स को यानी इन पौधों को खा लेता है तो वो इन पौधों से तवानाई हासिल करता है। सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूम का मतलब होता है उसको यूज़ करना या इस्तेमाल करना। अब कंज्यूमर्स वो होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑल लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब कंज्यूमर्स वो तमाम जानदार होते हैं इस कैटेगरी में जो कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। अब तमाम जानवर जो हैं वो कंज्यूमर्स में आते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। सिंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, चूँकि वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते तो वो प्रोड्यूसर्स से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। कंज्यूमर्स इंक्लूड हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। अब कंज्यूमर्स जो हैं इसमें तमाम शामिल हैं। हर्बीवोर्स भी शामिल हैं, कार्निवोर्स भी शामिल हैं, ओमनीवोर्स की क्लास भी आती है इसमें और स्कैवेंजर्स भी आते हैं इसमें। कंज्यूमर्स में ये तमाम जो क्लास जो है ये शामिल है। उसके बाद आ जाते हैं डिकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर्स मीन डिकम्पोज का मतलब होता है उसको ख़त्म कर देना, दोबारा से मिट्टी में मिला देना। अब डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि उन तमाम कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज, यानी जो कि मुर्दा जिस्म होते हैं, मुर्दा चीज़ें होती हैं, जानदार होते हैं, उनको, यानी कि इनके एनिमल्स के और प्लांट्स के जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो मुर्दा हो जाते हैं, उनको छोटे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, यानी उनको तमाम को ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, ये भी जानदार होते हैं, सच एज आंट्स, फ्लाइज, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब डिकम्पोजर्स में कौन कौन से जानदार आते हैं? आंट्स यानी चींटियां, मक्खियां, फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जरासीम होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को खाते हैं, इसी तरह फंजाई होते हैं जो डेड बॉडीज़ को खा जाते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप। फंजाई एंड बैक्टीरिया वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप यानी स्पेशल माइक्रोस्कोप से हम इन्हें देख सकते हैं, वैसे ये हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खा जाते हैं। डेड डिकम्पोजर्स आर नेसेसरी सिंस दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स टू बी यूज्ड अगेन बाय प्रोड्यूसर्स। अब डिकम्पोजर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन बॉडीज़ के अंदर जो कि डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दोबारा से प्रोड्यूसर्स के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, यानी उसे मिट्टी में मिला देते हैं। विदाउट डिकम्पोजर्स द अर्थ वुड बी कवर्ड विद लिटर। अगर ये डिकम्पोजर्स ना होते तो हमारी ज़मीन जो है वो रहने के काबिल ना होती, यहाँ पर हर जगह कचरा होता, यानी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं और बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदबू होती और रहने के काबिल ना होती। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स। अब फूड चेन की मिसालें हम देखते हैं। फूड चेन की में सबसे पहले क्या है कि सूरज की रोशनी में प्लांट्स ने अपनी ग़िज़ा बनाई। अब इन प्लांट्स के ऊपर पत्तों को ये कैटरपिलर्स ने खाया, यानी ये आप देखा होगा अक्सर पत्तों के नीचे ये चीज़ें ये सुंडियाँ सी लग जाती हैं, ये अक्सर फसल पे होती हैं और ये फसल के पत्ते खा जाती हैं। उसके बाद इन कैटरपिलर्स को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ये लोमड़ खा गया। इस तरह ये ग़ज़ाई चक्कर एक दूसरे पर डिपेंड करता है, इसको तमाम जानदार जो हैं लिविंग थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और इस तरह ये ग़ज़ाई चक्कर चल रहा है। दी फूड चेन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये फूड चेन इसलिए अहम होती है बिकॉज इट पासिस एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, कि ये जो एक तवानाई है इसको एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल कर देती है। बेटा आज हमारा ये टॉपिक यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, कल हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।